चल रहे थे, बट बाय सैटरडे मॉर्निंग इट चेंज एंड आई थिंक इट्स हैपेंड लार्जली ओनली बिकॉज ऑफ द स्टोरी, द स्क्रीन प्ले, द परफॉर्मेंसेज एंड द कनेक्ट दैट द मूवी हैड. यार मैम तो बॉम्बे एक्चुअली पिक्चर बनाने के लिए तो आया नहीं था, अब दो बन गई, दोनों चल गई, अब अगली भी हंसते खेलते मज़े करते हुए बना लेंगे, बट देयर इज नो प्रेशर बिकॉज आपके पार्टनर जो है वो उनकी अब एक फिल्म आ रही है भूतनाथ रिटर्न, हां तो उसके बारे में कुछ कहना चाहिए. अरे नितेश इज एन आउटस्टैंडिंग राइटर, आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर. भूतनाथ इज लुकिंग लाइक सच अ फन फिल्म एंड इट विल बी सो अमेजिंग इफ बोथ नितेश's film and my film both do well in matter of just 1 month after having worked for so long. But I would really want everyone to go and watch Bhoothnath. I've heard the story and it's outstanding. चिल्लर पार्टी की कहानियाँ हैं हमारे दिमाग में, पर अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं उसका क्या करें, बट एक छोटी सी आशा है कि शायद हम कभी चिल्लर पार्टी 2 बना सकें. हाँ मुझे दो गाय यार मैं तो ये बोल सकता हूँ कि मेरा हाल तो गुप्ता अंकल जी वाला हो गया कि ना उन्होंने शराब पी ना सिगरेट पी, फिर भी उनको कैंसर हो गया, अब मैं जाके थोड़ी शराब पी आता हूँ. अभी त्रिवेदी की बात है. हाँ नहीं यही सब है, सारा कुछ तो इन्होंने ही किया हुआ. एक तो आशा भोसले जी का गाना तो ऑलरेडी चार्ट बस्टर था ही. इट वाज़न डिफिकल्ट फॉर मी टू कि इसको खाली इसको रीमिक्स करना, एक उसको अच्छे से प्रेजेंट करना बहुत चैलेंज था, वो बड़ा चैलेंज था, उसमें काफ़ी टाइम गया, लेकिन इवेंचुअली जो भी हुआ उससे सारे हम खुश हैं. सॉरी हाँ सॉरी लव गंजुआ हाँ उनका क्या वो जो लंदन धमक गया तो गाना था, उसमें चाहिए था एक थोड़ी सी पंजाब की मिट्टी की आवाज़ चाहिए थी. लव गंजुआ इज गॉट दैट टेक्सचर जो एक्चुअली उस प्रांत की मिट्टी की आवाज़ है. अभी एक सवाल है आपसे, क्योंकि ये जो गाना है हमने अक्सर देखा है लता मंगेशकर और आशा भोसले वो रिमिक्स गाने पसंद नहीं करने वाला, तो कितना उनको कन्वे करना ये रहा कि हम आपका गाना दे रहे हैं और उनको रिमिक्स करके एक तरह से एक्चुअली ये जवाब विकास देंगे.